तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको 30x40 में बना हुआ, मतलब 33 है तो 34 भी आप ले सकते हैं, 40 में साउथ प्लान बनाया गया है। खासकर रेंट पोर्शन, जिसको जो है रेंट देना है, 2 BHK का पोर्शन चाहिए, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का एक सिंपल सा प्लान बनाया गया, इसमें कंसिस्ट करता है 2 बेडरूम्स है, एक हॉल, एक पोर्शन रहेगा। एंड दूसरा पोर्शन में भी सेम उसी तरह का, एक बेडरूम, एक किचन, कॉमन टॉयलेटिंग बाद एक और 2 बेडरूम्स है यहाँ पर, एक हॉल, एक किचन, कॉमन टॉयलेटिंग बाद 2 बेडरूम्स है, इस तरह का बनाया गया। एंड स्टेयर्स को है बीच में लिया गया। तो बने रहेगा वीडियो में पूरा अंत तक और आज आपको पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉलम साइज, कॉलम पोजिशन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इसी तरह से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पैसेज एरिया, यहाँ से साउथ की तरफ जो है रोड रहेगा, यहाँ से एंटर करें, यहाँ पर आपका एंट्रेंस रहेगा, इधर एक हॉल, मतलब ये 6 फीट 4 इंच का पैसेज रहेगा, वहाँ से आप 2 स्टेप्स ले सकते हैं अपने घर में। हॉल का साइज़ जो है 9x11x12x7 इंच का। एंड यहाँ पर एक किचन लिया गया, 6x2 इंच का, 6x2x8x3 इंच का एक किचन है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बात है, 6x2x4 फीट का कॉमन टॉयलेट बात। हॉल का साइज़ भी कंफर्टेबल रहेगा, उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ हॉल है एक रूम के जितना, मतलब रेंट दे रहे हैं ना आपको, मेन इंटेंशन है रेंट, ठीक है। कंफर्टेबल इज़ द सेकेंडरी वार्ड। तो 9x8x11 फीट का एक दूसरा वाला बेडरूम रहेगा। एंड यहाँ पर एक दूसरा बेडरूम 9x6x11 फीट का एक बेडरूम लेगा। तो इस तरह का एक फर्स्ट पोर्शन रहेगा। और देखिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पीछे 1.5 फीट का ऑप्शन जगह छोड़ा, यानी कि कोई कंपाउंड वाल वगैरह नहीं है, आप 1.5 फीट और पीछे वाले 2.5 फीट छोड़ दिए तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी बड़ा सा जगह मिल जाएगा। यहाँ पे बेडरूम नंबर 1, इधर है बेडरूम नंबर 2। देखिए यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट और किचन है, हॉल, इस तरह का। फिर देखिए नेक्स्ट पोर्शन में आप एंटर करें, इधर एक हॉल आ जाएगा 9x12 फीट 7 इंच का, यहाँ पे एक किचन, टॉयलेट बात आ जाएगा 3 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का। और यहाँ पर है दूसरा वाला बेडरूम 9x8x11 फीट का, और इधर है एक बेडरूम है। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान बनाया गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि हर एक आदमी को, हमारे इंडिया का जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता चले कि एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ये भी एक चैनल है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बात करते हैं कॉलम पोजीशंस। कॉलम पोजीशन कुछ नहीं, सिंपल सा 1 2 3, यहाँ पर 1 4 5 6, इधर 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर 16 कॉलम आ जाएंगे। 16 कॉलम इसलिए दिया गया कि रूम के हिसाब से देना पड़ता है, अगर हम ज़्यादा भी दिए तो पूरा स्ट्रक्चरली डिज़ाइन करना पड़ता है, उसकी वजह से रूम के हिसाब से दिया गया 16 कॉलम। फिलहाल इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय देखे वीडियो को पूरा अंत तक देखे, है ना, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, बहुत जय हिंद।